हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और आज का इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको क्लास नाइन्थ का मैथ यानी के सी सिन्हा बुक का चैप्टर 2 का आज हम सॉल्यूशन कराएंगे, यानी प्रमेय और अप्रमेय संख्या पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है आज उस पूरे क्वेश्चन को आज हम बारी बारी से आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा, क्योंकि जब तक शुरू से अंत तक ना देखेंगे तब तक इस वीडियो में आपको मजा नहीं आने वाला है। तो चलते हैं यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले यानी छोटी छोटी बात को आज हम जानेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर यानी उस अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, क्या है, क्यों है। तो चलते हैं आज सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से परिचय करा दूं। इस चैप्टर का नाम क्या है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घटाव, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है यानी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। यानी इस चैप्टर का ये शुरुआत यानी अति लघुतरीय प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, या जो है आपको यानी इस अभी आप प्रमेय और अप्रमेय संख्या यानी क्लास नाइन्थ में आप सिक्स आएंगे तो क्लास टेंथ में आपको बहुत इजी हो जाएगा। यानी हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि आप जड़ को जब तक मजबूत नहीं कीजिएगा तो यानी जो पेड़ का जो टहनी जो होता है वह मजबूत करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जड़ को मजबूत करेंगे ताकि टहनी कितनी भी विशाल हो या जड़ जो है वह आग लेगा। तो चलते हैं इस चैप्टर में यानी ये टाइप वन है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप यानी टाइप वन का एक नंबर यानी बोला कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमको तो ये पता नहीं है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो सबसे पहले इसका रूल जानेंगे, रूल है क्या, परिमेय संख्या का रूल क्या है, अपरिमेय संख्या का रूल क्या है। तो ये दोनों के बारे में जान जाएंगे तो ये जितने सारे जो क्वेश्चन जो है मात्र एक सेकेंड में आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलते हैं यानी पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। यानी परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोला जाता है यानी रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर यानी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर।
यानी कहने का मतलब है कि जितने भीड़ वाली जो संख्या जो होती है उसमें अंश और हर रहता है। अंश यानी अंश जो होता है ऊपर वाली संख्या का बोला जाता है, और हर जो होता है नीचे वाली संख्या का बोला जाता है। जो हर जो होता है वह कभी जीरो के बराबर नहीं होता है, कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। यानी वही हम लिखे हैं इक्वी इज इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर। तो ये जो जैसे वन बाई टू, टू बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, एट बाई सिक्स, फोर बाई फाइव इत्यादि, ये जितने सारे जो संख्या जो है ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। यानी वन बाई टू, टू बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, एट बाई सिक्स, फोर बाई फाइव, ये जो है ये सारी जो संख्या जो है परिमेय संख्या है। तो इसके बाद परिमेय संख्या आप तो जान गए कि परिमेय संख्या किसे बोला जाता है, यानी जितने भी पूर्णांक होंगे एक दो तीन चार पाँच छः, यह भी जो है परिमेय संख्या है, ठीक है ना, यह भी जो है परिमेय संख्या है। और उसके बाद जितने भी भिन्न मल होंगे यानी तीन बटा छः हो जाएगा, नौ बटा ये दस जो होंगे ये भी जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा। तो चलते हैं उसके बाद जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्या को आपको हम आज बताएंगे अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर। आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको यह जो है चैप्टर समझ में आएगा और पूरे बेहतरीन से पूरे सवाल को आज आपको मजे से बनाकर दिखाऊंगा अपरिमेय संख्या के बारे में। यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जो p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तथा q is equal to not zero के बराबर हो। यानी इसमें जो होता है ये इसमें भी जो q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसको हम p by q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। यह जो होता है p by q के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि कि यह जो है जो यह जो p by q के रूप में नहीं होता है। तो यह जो था आपका अपरिमेय संख्या था, यानी अपरिमेय संख्या का ये एग्जाम्पल था, यानी एग्जाम्पल था। जैसे आपको हम कहना चाहते हैं कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन एंड डॉट 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 इत्यादि इत्यादि, ये जितने सारी जो संख्या जो है यह जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या है, यह जो है अपरिमेय संख्या है, और जिसका यानी पूरी वर्गमूल निकल जाता है वह संख्या जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। यह जो था यह पाइथागोरस के
अनुयायियों ने यह सिद्ध करके दिखाया कि रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट टेन, रूट इलेवन, रूट ट्वेल्व, रूट थर्टीन, ये जितनी सारी जो संख्या जो है यह अपरिमेय संख्या है। यह जो सिद्ध किया था थियोडर नामक वैज्ञानिक जो था, यह सिद्ध करके दिखाया कि जो है ये जितनी सारी जो संख्या जो है यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 1700 ईस्वी में आया यानी लैम्बर्ट वैज्ञानिक में आया और पाई को भी उसने सिद्ध किया और बताया कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या नहीं है। तो जान आप इस वीडियो में आपने इतना तक जाना और आज उसके बाद हम और बताएंगे कि और क्या होता है। क्वेश्चन नंबर वन है, कह रहा कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय को यानी इसमें चूज करना है। ये जो दिए गए जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर वन जानेंगे 3 + √5 बराबर यानी क्या होगा, यानी परिमेय संख्या हो सकता है कि अपरिमेय संख्या हो सकता है। यहां पर 3 जो है परिमेय है, लेकिन √5 जो है वह है अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का ये योग दिया है, तो इसलिए दोनों एक साथ है, ये प्लस में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √5 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका हम वर्गमूल अगर आसानी से निकाल सकते थे तो यह परिमेय संख्या के फॉर्म में आ जाता, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि रूट जो फाइव जो है क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो ये जो है क्वेश्चन जो वन जो होगा यह अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन दो नंबर यह दिया गया है कि 7 √5 में ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहां भी जो है जो ये जो गुना में जो दिया गया है √5 जो है यह अपरिमेय संख्या है। ये तो अभी इस अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन में हमने बहुत बेहतरीन से आपको बताया, इसलिए यह भी जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। यह क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 7 √5, ये तो p/q के फॉर्म में है, लेकिन भैया √5 जो है यह जो है अपरिमेय संख्या है, हमने क्या है अपरिमेय संख्या है, यह जो है इसका √5 का वर्गमूल जो है आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यह भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह दिया गया है कि 5 + √5 - √5, तो एक बात हम जानते हैं कि अगर +1 - -1 दिया है तो इसको घटाएंगे तो 0 हो जाता है, +2 और -2 ये प्लस माइनस ये घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसी तरह √5 - √5 एक प्लस में संख्या है, एक माइनस में संख्या है, माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये जो 5 बच रहा है तो 5 कौन सी संख्या है, 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपने अभी बताया कि 1 2 3 4 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है भैया, ये 5 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया,
ये रोमन में 6 लिखा गया है, तो भैया हम भी रोमन में 6 लिख दे रहे हैं कि आपको गड़बड़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि रूट अंडर, तो ये 6 कहाँ है, यहाँ पर क्वेश्चन 6 पाई माइनस टू। भैया अभी ने हम बताया कि लैम्बर्ट जो वैज्ञानिक था वो 1700 ईस्वी में वह यानी इसको सिद्ध किया कि पाई जो है एक का है अपरिमेय संख्या है, क्या है पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सात में दिया गया है कि रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर थ्री बराबर भैया ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो हम अब देख अभी बताया आपको कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ रूट टू का वर्गमूल नहीं निकल सकता है और प्लस में है रूट अंडर थ्री तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए यह का। हाँ तो अभी ना हमने बताया कि रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर थ्री जो है यह जो है क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है यह है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम बताएंगे आपको टाइप वन का क्वेश्चन नंबर 2। तो टाइप वन का क्वेश्चन नंबर 2 को दिया गया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यानी टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में किसका हल जो है परिमेय संख्या को निरूपित करता है, यानी वह जो है किस संख्या को वह परिमेय संख्या के रूप को निरूपित करता है। तो इसके पहले यानी टाइप 1 का एक नंबर हमने बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए, वैसा ही इसमें खाली पहचान करेंगे कि परिमेय संख्या किसको बोला जाता है। तो चलते हैं बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या यानी क्वेश्चन इसमें टाइप वन का दो में क्वेश्चन 8 दिए गए हैं। इस 8 क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि कौन जो है परिमेय संख्या है, यानी कौन जो है परिमेय संख्या को निरूपित करता है, वह कैसे करता है वह भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो चलते हैं देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है पूरा, यानी आपको विस्तार रूप से पूरी तरीके से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में सीधे जाकर यानी स्टोर हो जाए यानी बैठ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी एस स्क्वायर बराबर 5, भैया एस स्क्वायर बराबर 5 दिया है, इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं, यानी एस स्क्वायर बराबर 5 दिया है। तो ये एस स्क्वायर हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर जो है यानी किसी संख्या पर स्क्वायर रहता है वह इक्वल के बाद जाता है तो वह रूट में चेंज हो जाता है, यानी रूट में बदल जाता है, यानी हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये जो 5 जो है इस पर रूट चलेगा, यानी एक्स बराबर रूट अंडर 5। तो ये आप हमको बताइए कि अभी हमने आपको हम बताया कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 10, रूट अंडर 11, ये जितने भी संख्या जो है भैया ये क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए रूट फाइव भी अपरिमेय संख्या होगा, रूट फाइव भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, यह जो है परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है, यह जो है अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, इसलिए जो है यह भी एक नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर जो है अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है।
ये परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर हम दो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया गया है, यानी एस स्क्वायर बराबर 16/9। बटा का मतलब होता है भाग। भैया अभी ने आपको हम बताया कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के बाद जो होगा रूट चढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16/9 और रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर के बदले, ये इधर रूट चढ़ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स बराबर रूट अंडर 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे दो भाग में, चरचौ का 16, तीतरी का 9। पता है कि एलसीएम मेथड से जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो समान संख्या का जुड़ा लगाते हैं, और समान संख्या का जुड़ा लगाने पर उसमें से एक संख्या को वो लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा इसमें समान संख्या। यानी ये जो है समझने वाला चीज होता है, तो मैथ को समझिए और बेहतरीन ढंग से बनाइए और मजे से बनाइए। कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, उसमें जो भी लिखना चाहते हैं पूरा लिख कर भर दीजिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक्स प्लस रूट अंडर 2, और कोश का मतलब भैया गुना होता है, यहाँ पर कोश का मतलब क्या है, गुना है, इनटू एक्स माइनस रूट अंडर 3 और बराबर में 0 दे दिया है। तो चलते हैं इसको पहले हम यानी गुना कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यह परिमेय संख्या को निरूपित करता है कि यह परिमेय संख्या को निरूपित करता है, देखते हैं। लेकिन हमको यह देखना है, कह रहा है कि किसका हल जो है परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यानी एक्स इंटू एक्स, उसके बाद एक्स में माइनस रूट अंडर 3 से, तो भैया इसके आगे प्लस है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस लिख देंगे, गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस यानी मल्टीप्लाई में प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी ये प्लस में एक्स है और प्लस में ये प्लस में क्या है एक्स है, और ये माइनस में रूट अंडर 3 है, गुना करेंगे तो माइनस एक्स इंटू रूट अंडर ये 3 हो जाएगा, उसके बाद इस रूट 2 से इस दोनों में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 से होता है, यानी रूट 2 रूट अंडर 2 एक्स में रूट अंडर 2 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 2 इंटू एक्स हो जाएगा, उसके बाद रूट अंडर 2 में माइनस माइनस रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 बराबर 0 हो जाएगा। जब जाति समान होती है तो यहाँ पर पावर 1 छिपा हुआ है, तो यानी जब नीचे की आधार समान तो पावर जो होता है जुट जाता है। आप अगर आप घाताक या नहीं घाताक करने नहीं पड़ेंगे तो आप यानी पिछले वीडियो में जाकर आप घाताक करने को पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है आपको जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो उस सवाल को कभी भी हल करने में परेशानी नहीं होगी। यानी जब नीचे का आधार समान होता है तो ऊपर के भैया पावर जुटता है, तो यानी एक्स इंटू एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एगो एगो दूगो यानी एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर गुना करेंगे एक्स इंटू रूट अंडर 3 ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 3 प्लस ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 2 हो जाएगा माइनस, रूट में रूट से गुना करेंगे तो रूटे होता है, 2 में 3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 6 बराबर 0।
क्योंकि हम अभी यहां पर देख रहे हैं, अब यहां पर देखेंगे कि x रूट अंडर थ्री है प्लस x रूट अंडर टू है, क्योंकि यहां पर समान जाति का नहीं है, यह नहीं जुटेगा। और यहां पर रूट अंडर सिक्स है, यहां पर रूट अंडर सिक्स का भी आप वर्गमूल जो है आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या दिया गया है, दम वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूं ताकि फिर से कहीं भी आप किसी ट्यूशन में पढ़ने जाइएगा तो जो है इस तरह आपको पढ़ने को कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और इस सवाल पर एक और लाइक बनता है तो लाइक बटन को एक बार आप जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको लाइक बटन दबाने से हमारे जो है मनोबल और ऊंचा हो जाता है, यानी सीना जो है हमारे 85 इंच का है तो कि 85 सेंटीमीटर का है, ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर चार, यानी क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। ये दिया गया 3s² बराबर 9, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये जो है मल्टीप्लाई में है और यह इक्वल के राइट साइड जाएगा, ये गुना में है तो भैया ये भाग में हो जाएगा, यानी 3 से काट सकते हैं इसको, 3 3 9 होता है, यानी एस स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 और एक्स बराबर हो जाएगा, यानी स्क्वायर जो है यानी स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 जो है ये क्या है, यानी एक्स बराबर रूट अंडर 3 आ गया। तो रूट अंडर 3 जो है ये क्या है, यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? यह जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि रूट अंडर 3 इंटू एक्स बराबर 3/4। तो यहां पर जो है एक्स बराबर हो जाएगा, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, यानी 3/4 इंटू रूट अंडर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल जो है नहीं निकल सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह जो है हमको यह खाल दिखाना है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें कौन कौन सी जो क्वेश्चन जो है वह जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, यानी एस स्क्वायर बराबर 25/49 दिया गया है, यानी एक्स बराबर आपको हो सकता है कि हमने अभी बताया कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो यानी बराबर के राइट साइड में आपका रूट चढ़ जाएगा, यानी दोनों संख्या पर, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 25 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 × 5 और 49 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, यानी 49 का गुणनखंड 7 × 7, 25 का गुणनखंड 5 × 5। तो हमने बताया कि जब भी आप यानी गुणनखंड विधि से आप
वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें इस गुणनखंड विधि में यह रूल होता है कि समान संख्या का जोड़ा लगाया जाता है और समान संख्या का जोड़ा लगाने के बाद उसमें से एक संख्या को लिखा जाता है। यानी 5 × 5 जो है ये समान संख्या है, 7 × 7 जो है समान संख्या, दोनों का ये पेयर है, ये 7 का पेयर है, ये 5 का पेयर है, तो दोनों में से एक संख्या लिखेंगे। यानी 5 दोनों पेयर में है तो एक संख्या लिखेंगे और 7 जो है पेयर में है तो इसमें का भी एक संख्या लिखेंगे। चाहे ऐसे भी आप निकाल सकते रहते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। 5/7 जो है ये P/Q के फॉर्म में है, तो P/Q के फॉर्म में है तो यह क्या होगा भैया, ये होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? ये होगा परिमेय संख्या। तो मजा आ रहा है ना इस सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह देखते हैं कि यह परिमेय संख्या को निरूपित करता है कि अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी x+1 का होल स्क्वायर बराबर 6। भैया एक बात हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यानी a+b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, क्योंकि जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +2ab आएगा। क्या आएगा? +2ab। यहाँ ए माइनस बी होता है, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी जब इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी a² + b² -2ab +4ab, तो -2ab में से +4ab घटेगा तो भैया प्लस में 2ab आएगा, यानी a² + b² प्लस का हो जाएगा 2ab हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, तो देखते हैं चुटकियों में हल करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 की क्या हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, यानी इसका स्क्वायर, क्योंकि इसकी मोड़े पर यानी इसके सर पर 2 दिया गया है तो x का भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए हो जाएगा s² + ये हो जाएगा a² ये हो जाएगा b² एक के स्क्वायर एक ही होता है और प्लस में 2 a का वैल्यू x और एक यहाँ पर एक a का वैल्यू 1 दिया गया है, इस बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी s² प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2 में x से गुणा करें 2x हो जाएगा, 2x में 1 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा s² + 2x बराबर 6, ये प्लस में है इक्वल के राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कि क्या हो जाएगा, यानी हम इसको s² + 2x = 5 लिख सकते हैं, यानी इसको s² + 2x + ये 2x है, ये जो है प्लस में 5 इधर आएगा तो -5 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर s² + 2x - 5 = 0 आ जाएगा। उसके बाद
इसको क्या को यानी इसको हम तोड़ते हैं द्विघात समीकरण के रूप में फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी यह जो है एस स्क्वायर और माइनस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस फाइव एस स्क्वायर। यहाँ पर प्लस प्लस जो है प्लस में टू एक्स है, यानी जोड़ने और घटाने पर टू एक्स आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस फाइव एस स्क्वायर आदि होना चाहिए। ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसा गुणनखंड कब तोड़ सकते हैं, जितने लगाते हैं, यानी अब इसका गुणनखंड वन इंटू फाइव हो जाएगा और फाइव इंटू वन होगा। अब यह फाइव इंटू वन होगा और वन इंटू फाइव होगा। पांच में से अगर एक हटाते हैं तो चार आता है, लेकिन यहाँ पर दो है और पांच में से अगर एक हटाने तब भी चार होगा, लेकिन इसका भी आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं पांच का, यानी यह जो होगा यह कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये और आपका आठ था कि एक्स प्लस रूट अंडर फाइव इंटू एक्स माइनस रूट अंडर थ्री। क्वेश्चन नंबर यही था, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है, बराबर जीरो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताए क्यों एस स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स में गुणा करेंगे तो क्यों एस स्क्वायर होगा, क्योंकि इस पर पावर वन है और इस पर भी पावर वन छिपा हुआ है। नीचे का जब आधार समान होता है तो ऊपर का क्या होता है, पावर जुड़ता है, यानी यह हो जाएगा नीचे का एक संख्या दौड़ता है यानी एक्स हो जाएगा और एक एक क्या होता है दो, ये एस स्क्वायर आ गया। वैसा ही एक्स एक्स माइनस रूट अंडर थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू रूट अंडर थ्री हो जाएगा, और रूट अंडर फाइव से इस दोनों संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस 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 से होता है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर फाइव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यह हो जाएगा रूट में रूट से गुणा करेंगे तो रूटे होता है, तीन पाँच पंद्रह हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो। अब यह देख रहे हैं कि रूट अंडर फाइव का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, रूट अंडर फिफ्टी का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, रूट अंडर थ्री का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो यहाँ खुद ही पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि यह क्या है, यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसी ब्रेक इसी सवाल के बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।